होता है। माँ बंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश, कुंभ पूजन, माँ बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान बलजिंदर सिंह से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहूतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने आए हुए मां भक्तों से अपनी बात करते हुए कहा कि मनुष्य के वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों का फल जहां जन्म जन्मांतर में प्राप्त होते रहते हैं, वहां उनमें से कुछ कर्मों के फल वर्तमान जन्म में भी प्राप्त हुआ करते हैं। इस नियम के अनुसार आयु अर्थात जीवन काल आगे पीछे रह सकता है। इसी भांति सुख दुख का जो परिणाम इस जीवन में भोगने के लिए निश्चित होकर आया है, उसमें भी कर्म अनुसार परिवर्तन होता रहता है। उन्होंने कहा कि इंसान को अपने कर्मों के मुताबिक फल मिलता है। वहीं उन्होंने कहा कि अच्छे कर्म करने से इंसान के पाप धुल जाते हैं, इसलिए जीवन में जितना हो सके समाज सेवा के कार्य करने चाहिए। इस अवसर पर श्रीकंठ जज राकेश प्रभाकर, मुनीश शर्मा, किशोर शर्मा, जोगिंदर सिंह, विपन, सुमित, करण, अमनदीप सिंह, करणवीर सिंह, जसविंदर सिंह, अमरजीत सिंह, केविन शर्मा, रिंकू सैनी, गौरी शर्मा, मनीष कुमार, बाबा खन्ना, संजय, बाबा जोशी, भानु मल्होत्रा, राहुल धीर, बलदेव राज, विनोद खन्ना, दिशांत शर्मा, अभिलक्षे चुग, सोनू छाबड़ा, सुनील जग्गी, अशोक शर्मा, अजीत कुमार, उदय, हरविंदर सिंह, सौरभ मल्होत्रा, प्रिंस राकेश, केहर सिंह, प्रदीप शर्मा सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। घर परिवार सुख शांति दियो। आने वाली दिवाली मेरे ते मेरे परिवार ते बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास भरी होवे। जिहड़े दलिद्र है या जिहड़ी भी नैगेटिविटी है वो मेरे तो दूर होवे और मेरा घर परिवार भी प्रफुल्लित होवे, समाजिक तौर ते, आर्थिक तौर ते और जिहड़ा भी मानसिक तौर ते मेरियां कोई भी त्रुटियां हैं उन्हां दे उत्ते मेहर प्रयाहत रखो, बख्शिश करो, वो सब त्रुटियां मेरे तो दूर होन। ये भाव दे नाल मैं आप जी दे चरणां दे विच ये पुष्प अर्पित कर रहा हां। बेनती करना चाहवांगा कि जेडे भगत दिवाली के उपर अपने विशेष हवन यज्ञ करवाना चाहते हैगे है वो अपना अपना टाइम स्लॉट और अपना जड़ा सारा वो सिस्टम जड़ा लैके जान ताकि उन्हों का जड़ा हवन यज्ञ दे विच कोई भी जड़ा वो कमी पेशी ना आवे और उन्होंने लोड़ी समगरी जी मंगाई जा सके। इतने नाल ये भी कहना चाहते हैं कि जो 19 तरीक न महामाई जी है अपने वृंदा देवी जी उन्होंने जोड़ा अपना विवाह संपन्न किया जाएगा ते ओ सारे भगतों को बेनती की जाती है कि सारे भगत जिहड़े उन्हां दे विवाह दे विच शामिल होण और प्रभु का आशीर्वाद लैण।